पुढे जाऊ शकत नाही. हे इतकंच खरं आहे, पण आपल्यासमोर काहीतरी नाही आणि पुन्हा म्हणजे समोर कुणाचा तरी आदर्श असल्याशिवाय आपण त्या पद्धतीने आपली वाटचाल दिशा ठरवूनच आपण करत असतो आणि त्या संदर्भातलं मार्गदर्शन आज आपल्याला करणार आहे आणि त्यासाठी सुद्धा याठिकाणी बोलण्यात आलेलं आहे. आणि आज त्यातच आज आपल्या शाळेचा दत्तराविना शाळा हा सुद्धा उपक्रम चालू आहे आणि त्या अंतर्गत हा एक आपला चांगला उपक्रम साध्य होईल असे आपण अपेक्षा व्यक्त करते. आणि तुमच्या हातात पुस्तक आहे, त्याच्या पुढचं जोरात वाचा. आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना. आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ या ना? हाँ. ये पुस्तक आपको दी गई है धीर धरा, और इसको आप डेली पढ़ना, इससे आपको काफी फायदा होगा. मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ. आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ. एक गुब्बारा बेचने वाला था. क्या बेचता था? गुब्बारा. जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे वाला उन गुब्बारों को हवा में उड़ा देता था. कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे. बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और जाकर गुब्बारा खरीदते थे. आप भी जब मार्केट में जाते हो, आपको कोई सामान दिखता है, आपके मन में भी खरीदने की इच्छा होती है, हाँ या ना? हाँ. एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला बच्चा आया. कौन सा बच्चा? काला. और गुब्बारे वाले के शर्ट को खींचा. अंकल, 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 आप रोज लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे गुब्बारे उड़ाते, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ा? काला गुब्बारा नहीं उड़ा? क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? उड़ेगा. आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं. गुब्बारे वाले ने भी यही बात बोली कि बेटा, काला गुब्बारा भी उड़ेगा, क्योंकि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से. गुब्बारा किस वजह से उड़ता है? कहने का ये मतलब है बच्चों कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए, वो गुब्बारा उड़ेगा. उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा. उसी तरीके से जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो, वो बच्चा आगे बढ़ेगा. बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. देखो, आप में से किसी कारण गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में कमजोर है, इसका संबंध आगे बढ़ने से नहीं है. आपके अंदर इच्छा देखते हैं. आप सभी बच्चे गुब्बारे के तरह हैं. जिस तरीके से किसी भी गुब्बारे में गैस भर दी जाती है, तो वो गुब्बारा उड़ता है. उड़ता या नहीं उड़ता? उड़ता है. उसी तरीके से अगर आप बच्चे भी किताब को पढ़ेंगे, समय पर पढ़ाई करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप भी गुब्बारे की तरह उड़ सकते हैं. उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते? उड़ सकते हैं. क्योंकि दिमाग गरीब का हो या अमीर का हो, दिमाग में कोई अंतर होता क्या? नहीं. अगर गरीब बच्चे का दिमाग पढ़ाई में लगे, उसे पढ़ाई समझ में आएगी या नहीं आएगी? आएगी. और आप सभी बच्चे सफल हैं. मैं आपको आपकी सफलता की बात याद दिलाता हूँ, आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ. बचपन में आपने जब चलना शुरू किया था, तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना?
और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था, हाँ या ना? अगर गिरने के बाद आप फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते? नहीं। जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही प्रैक्टिस किया था, यस और नो? यस। और प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको वही काम करना है। आज भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, कई सम्स नहीं आते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक के तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? हाँ। और प्रयास करना किसके हाथ में है? हमारे। और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? हम। बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे, हाथ उठाओ। जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अभ्यास मिला या नहीं मिला? मिला। जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अभ्यास मिला या नहीं मिला? मिला। अभ्यास मिलने के बाद उन्होंने प्रयास चालू रखा या बंद किया? चालू रखा। अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? नहीं। कितने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है, हाथ उठाओ। सबको महान व्यक्ति बनना है। आपको क्या करना, प्रयास चालू रखना या बंद रखना? चालू। देखो, सफलता का कोई नया नियम नहीं है। जो काम आपने बचपन में किया वही काम आपको जीवन भर करना है। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे, हर बार गिरने के बाद फिर से उठकर चलने का प्रयास किया, एक के ऊपर ही प्रैक्टिस किया, बार बार प्रयास किया और आप ये लिखना सीख गए। जीवन भर आपको वही काम करना है। जिस भी चीज का आपको नॉलेज नहीं है आपको बार बार प्रयास करना है। आप में से कई बच्चे साइकिल चलाना जानते होंगे, जानते हैं क्या? जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था तो आपको साइकिल चलाना आता था? नहीं। आपने बार बार चलाने का प्रयास किया? कई बार आप गिरे भी? गिरने के डर से आपने साइकिल चलाना बंद किया क्या? नहीं। आप बार बार गिरते थे, बार बार चलाते थे और आज आप साइकिल चलाना सीख गए, यस और नो? यस। और आज आपके लिए साइकिल चलाना आसान है कि मुश्किल है? आसान। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जिस चीज की आदत हो जाती है वो काम करना आसान होता है। आसान होता है। जैसे आप में से कई बच्चे हैं, उन्हें पढ़ने की आदत है या नहीं है? उनके लिए पढ़ना आसान या मुश्किल? आसान। और जिन बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं है उनके लिए पढ़ना आसान या मुश्किल? मुश्किल। जिन बच्चों को सच बोलने की आदत है उनके लिए सच बोलना आसान या मुश्किल? आसान। तो जो भी चीज आपको करना है आप उसकी आदत डालो। क्या करना है? आदत डालो। जैसे आपको टेलीविजन देखना है बार बार, टेलीविजन देखने की आदत डालनी है तो आप टेलीविजन बार बार देखो, आपको टेलीविजन देखने की आदत पड़ेगी, पड़ जाए। आपको पढ़ने की आदत डालनी है क्योंकि तो अगर पढ़ने की आदत हो गई तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ। जिन बच्चों को क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं उनको हर बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं या कभी कभी आते हैं? हर बार आते हैं ना। जो बच्चा क्लास फोर में अच्छे मार्क्स लाता वो फाइव में भी लाता, सिक्स में भी लाता, सेवन में भी लाता या नहीं लाता? उसका कारण ये है उसको पढ़ने की आदत है। उसको क्या है? पढ़ने की आदत। तो उसको कोई बोले या ना बोले वो खुद से पढ़ता है क्योंकि उसने पढ़ने की आदत डाल दी। जैसे साइकिल चलाने की आपने आदत डाली ना, डाली या नहीं डाली? डाली। उसी तरीके से उस बच्चे ने पढ़ने की आदत डाल दी, वो
बार बार पढ़ता गया, बार बार किसी काम को किया जाए उस काम की आदत हो जाती है, उस काम की आदत बन जाती है। जैसे अगर आपको झूठ बोलने की आदत डालनी है, झूठ बोलने की आदत कितने बच्चों को डालनी है, ये जो है किसी को झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अगर गलती से किसी को झूठ बोलने की आदत डालनी है तो वो डेली झूठ बोले, क्या करे, उसको क्या होगा कुछ दिन के बाद झूठ बोलने की आदत हो जाएगी। जिस तरीके से बुरे काम की आदत हो सकती उसी तरीके से अच्छे काम की भी आदत हो सकती है। तो जिन बच्चों को भी पढ़ने की आदत नहीं है, उनको पढ़ना मुश्किल लगता है, वो बार बार पढ़ाई करें। अगर कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ता है और उसको 4 घंटा पढ़ने की आदत डालनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4 घंटा डेली, और कुछ दिन के बाद उसको 4 घंटा पढ़ने की आदत हो जाएगी, और फिर उसके लिए 4 घंटा पढ़ना आसान हो जाएगा। ये सब क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, तो सब कुछ आपके हाथ में है या नहीं है। अब एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि उसको जीवन में क्या बनना है, सोचा या नहीं सोचा, सोचा। आपने क्या सोचा बेटा, डॉक्टर बनना। आपने कुछ सोचा, आपने कुछ सोचा, आपने हर बच्चे ने कुछ ना कुछ सोचा है, सोचा या नहीं सोचा, सोचा। अगर एक या दो बच्चे ने कुछ नहीं डिसाइड किया हो, नहीं सोचा हो, तो वो सोच लेना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी बस में सवार होते और बस का कंडक्टर आपसे पूछता कि कहाँ जाना है, और आप बोलते मालूम नहीं, तो वो आपको कहाँ लेकर जाएगा, मालूम कहीं लेकर नहीं जाएगा। और कुछ दूर के बाद आपको क्या बोलेगा, बस से नीचे फुटबॉल जानते हैं आप लोग, फुटबॉल में अगर गोल पोस्ट नहीं हो तो आप गोल कहाँ करेंगे, फुटबॉल में गोल करते हैं ना, गोल पोस्ट होता है ना, अगर गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो कहीं गोल हो सकता नहीं, ये रोका जा बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको ये मालूम नहीं कि आपको जीवन में क्या बनना है, क्या करना है और क्यों बनना है, आप वो बन पाएंगे, यस और नो, यस। अगर आपको मालूम नहीं कि आपको क्या बनना है तो आप वो बन पाएंगे क्या, नहीं। क्योंकि जब आपको बस में सवार होते और आपको मालूम नहीं कि कहाँ जाना है तो बस का कंडक्टर नीचे उतार देगा। उसी तरीके से जीवन में ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि हमको जीवन में क्या करना है। जैसे मैं अपने कल्याणी नगर से आया निकला तो मुझे मालूम था ना कहाँ जाना है, अगर मुझे मालूम नहीं होता तो मैं यहाँ आ पाता क्या, नहीं। उसी तरीके से आपको आपका गोल, आपका लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या बनना है और क्या करना है, हाँ या ना। आज आपके पास पढ़ने का 5 साल 10 साल समय है, कितना समय है, 5 साल 10 साल। अगर आप 5 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं और आपने सोचा इंजीनियर बनेंगे, आपने सोचा डॉक्टर बनेंगे, और अगर आप डॉक्टर इंजीनियर टीचर प्रोफेसर कुछ भी बन जाते हैं जो आपने सोचा, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा, आज आप अगर 5 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं तो आपने जो सोचा है वो बन जाएंगे, यस और नो, यस। और अगर आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, किसी ने कुछ और सोचा वो बन जाता है, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा, हमें। और अगर आज आप 5 साल 10 साल पढ़ाई नहीं करते तो आप इंजीनियर बन पाएंगे, नहीं। आप डॉक्टर बन पाएंगे, नहीं। आप टीचर बन पाएंगे, नहीं। और अगर कुछ नहीं बने तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी, नहीं। आपके पास ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर 1 है, 10 साल की मेहनत और 40 साल का
आराम। विकल्प नंबर एक क्या है? और विकल्प नंबर दो क्या है? 10 साल का आराम और 40 साल की परेशानी। विकल्प नंबर दो है 10 साल का आराम और 40 साल की परेशानी। कितने बच्चों को विकल्प नंबर दो चाहिए? आप लोग काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। किसी को ऑप्शन नंबर टू विकल्प नंबर दो नहीं चाहिए? सभी बच्चे 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं? आप एक नारा बना लीजिए असेंबली में, क्लास में, एक दूसरे को याद दिलाना। एक बच्चा बोलेगा 10 वर्षा जी मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षा जी आराम। तो एक बच्चा आओ जो बोले 10 वर्षा जी मेहनत, बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षा जी आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आपको बताई 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है। सस्ता है कि महंगा है? सस्ता। आप सभी तैयार हैं? हाँ। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। आपल्याला कोणती पण गोष्ट करायची असेल तर आपण त्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, मग आपल्याला ती मिळते। केल्यावर आपल्याला 40 वर्षाचा आराम भेटतो। आणि जर आपण 10 वर्ष मेहनत न करून खेळत असलो तर आपल्याला 40 वर्षाची परेशानी मिळते। पहिलं नाही माझं दाणा म्हणतो की
जमिनीमध्ये आणि माझ्यापासून अतिशय रसाळ गोड अशी डाळिंबाची पिहे भरपूरपणे मिळतील सगळ्यांना खायला आणि माझा रंग बघून आणि फळं बघून सगळी लोक आनंदित होतील. दुसरी म्हणते तिसरं म्हणतं एखादं म्हणतं अरे काय होणार आहे असं नाही बाबा मला तर आता काही खरं वाटत नाही असं प्रत्येकाचं बोलणं झालं असतं. तुम्हाला माहिती आहे डाळिंबाचे याच्यात असंख्य दाणे असतात आणि त्यानंतर इतके बोलू लागतात इतके बोलू लागतात की त्या माणसाला त्यांचा आवाज ऐकणं असह्य होतं आणि त्याच वेळेला तो शेजारी असणारा बेलाच्या झाडाजवळ जातो. त्या बेलाच्या झाडावरती अवघ्या 5 बी असतात पण त्या अतिशय शांत असतात काही बोलत नसतात. पण त्या काही बोलत नाही म्हणजे त्या निष्क्रिय आहेत का नाही तर त्या चिंतन करत असतात मनन करत असतात. त्या म्हणत असतात माझ्यामध्ये मी माहिती तुम्हाला मी बसून नवीन झाड तयार होतो नवीन रोग तयार होतो नवीन जीव निर्माण होतो म्हणजे पुनर्जीवनाची जी म्हणजे पुन्हा पुन्हा उत्पादन होण्याची जी क्रिया आहे तिला मी बसून घडते. मग त्यांना ते माहिती होतं आणि त्यांनी आपल्यामध्ये जी शक्ती आहे ती पुरेपूर माहिती होती त्यांना आणि त्याचा विकास करायचा अति चिंतन मनन केल्यामुळं त्यांना योग्य आणि सकस लोकांना मिळेल. तुम्हाला माहिती बेलाचं फळ अतिशय औषधी आहे मग त्याच्यापासून येणारं झाड आणि त्या झाडाला येणारे असंख्य बेल याच्यामुळं अनेक लोकांचे आजार दूर होते आणि ही त्यांच्यामध्ये असणारी जी क्षमता होती ते हेरून होता आणि मी जे देईल ते चांगलंच देईल हे त्यांनी मनाशी धरलेलं होतं. मग असं सरांनी सुद्धा आपल्याला भाषणातून अतिशय छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. मी आमच्या संस्थेच्या आभार मानते आणि पुन्हा आपण असं छान भाषण ऐकावं अशी विनंती.